अगर हम आपसे जानना चाहें कि जब आप ये पूरी यात्रा लेकर सीकर और अलग अलग गांवों में गए तो आप लोगों को क्या रिस्पांस मिला, और हम जब बातचीत कर रहे थे तो समझ में आ रहा था कि किसान गुस्से में है, क्या आप लोगों को कोई कारण समझ में आ रहा है कि क्या इन किसानों में मजदूरों में गुस्से का क्या कारण आपको लग रहा है? सबसे बड़ा कारण तो ये है कि किसान चाहे अनपढ़ भी है वो ये बात समझ चुका कि 10 महीने से जो दिल्ली के चौतरफा मोर्चे पर जो लाखों किसान बैठे हैं ये व्यर्थ में नहीं बैठे हैं, कहीं ना कहीं ये कानून किसान के और आम जनता के खिलाफ हैं जो रोटी खा के जिंदा रहते हैं, क्योंकि पिछले 22 जनवरी से 8 महीने से जो सरकार वार्ता नहीं कर रही है, जिस तरह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, इससे जो गुस्सा बढ़ रहा है और जिस तरह सरकार के कृत्य आए हैं, जिस तरह से करनाल में एक प्रशासनिक अधिकारी ने किसानों के सिर फोड़ने का वीडियो लोगों के बीच में गया और एक किसान उनकी लाठी से शहीद भी हो गया, उसके बाद जितना गुस्सा करनाल में था तो निश्चित रूप से वो पूरा देश में है, लेकिन फिर भी किसान संयम से हैं। अगर किसान मोर्चे ने कह दिया कि तुम्हारा सिर फोड़ दो तो किसी का नहीं बचेगा, लेकिन किसान वो नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ वो हरियाणा का किसान जो 3 दिन से ज़्यादा कोई आंदोलन नहीं करता था वो आज 10 महीने से वहाँ बैठा हुआ, तो नेचुरली ये शेखावाटी इलाका तो वो है जो आज़ादी से पहले भी जागीरदारों के खिलाफ अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है और सैकड़ों लोगों ने प्राणों की आहुति दी है, गोलियों का मुकाबला सीने से झेला है, तो हमेशा आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी चाहे वो बाजरे की लेवी हो, गेहूं की लेवी हो, बिजली की रेट बढ़ोतरी हो या अन्य कोई जिस तरह के भी सरकार के जन विरोधी निर्णय चाहे कर्जा माफी हो, हर वक्त ये शेखावाटी है जो राजस्थान के किसान के आंदोलन की अगुवाई करता रहा है। ये निश्चित रूप से इस भारत बंद को और इसको और आगे ले जाने के लिए अभी विरोधी 19 राजनीतिक दलों ने, जिसमें भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी भी है, तो न केवल बयान से समर्थन करें बल्कि सक्रिय रूप से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी इसमें सक्रियता से रोल अदा करे, इसलिए 15 दिन पूरे सितंबर अभियान पूरे देश में कम्युनिस्ट पार्टी चलाएगी और 19 पार्टियाँ 20 से 30 सितंबर तक 19 जो विरोधी दल हैं वो चलाएंगे, और बाकी दलों से भी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है हमारा निवेदन है कि इस अभियान में सब शामिल हों, ये देश के तमाम किसानों का है, कोई किसान संगठन नहीं बचा, अभी तो किसान संघ भी नहीं बचा है, चाहे वो साजिश के तहत ही कहता हो लेकिन 9 महीने बाद में 10 महीने बाद में वो भी कहता है किसान के खिलाफ हैं कानून, तो निश्चित रूप से आज किसानों और खेत मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक भी किसान और खेत मजदूर संगठन नहीं है जिनकी रोजी रोटी खेत से चलती है, एक भी किसान संगठन नहीं है, इसका मतलब 100% किसान और खेत मजदूर इन कानूनों के खिलाफ हैं, सरकार केवल कंपनियों की गुलाम बन के बैठी हुई है, उनके पैसे से चुनाव लड़ती है, और जो इस भारतीय जनता पार्टी और RSS ने इस देश के मेहनतकश किसान मजदूर और बेरोजगार को धर्म जाति क्षेत्र भाषा के नाम से बांटा था, इस आंदोलन में वापस जोड़ने का काम किया और यही सबसे बड़ा जो चीज़ मैं हम आपसे पूछना चाह रहे थे। देखिए ये अगर हम इस किसान आंदोलन के इतिहास पर नज़र डालते हैं, 10 महीने के लगभग हो चले, ये हमारे ख्याल से ये तीसरा भारत बंद है जो किसानों ने बुलाया है और कह रहे हैं कि सबसे व्यापक होगा इस बार का जो भारत बंद है। आखिर हम कहें कि भारत बंद की जो ज़रूरत है, 3 भारत बंद आप करा चुके हैं लेकिन फिर भी सरकार जो है वो झुकती हुई तो नज़र आ नहीं रही है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि इसके बाद कुछ रास्ता खुलेगा बातचीत का? बहुत बड़ा होगा ना, ये अपने आप में 19 राजनीतिक दल भी इस बंद में शामिल होंगे, पहले 2 बंद हुए हैं ना, उसमें किसान मजदूर ही रहा है, विद्यार्थी नौजवान रहा है, लेकिन राजनीतिक दल नहीं आए, मतलब इस आंदोलन का आप परिणति देखिए, जब ये NDA बना है अकाली दल उसके साथ था छोड़ गया, बहुत से दल ऐसे हैं जो NDA को समर्थन कर रहे थे देश की सरकार को, आज वो इस कानूनों के खिलाफ खड़े हैं, ये बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन, जनता की सोच में परिवर्तन, जो मोदी फोबिया जो लोगों के दिमाग में 2 करोड़ को नौकरी 2022 में किसान की आमदनी दूनी कर देंगे, तो आमदनी तो दूनी नहीं हुई लेकिन लागत कई गुना हो गई,
चाहे पेट्रोल डीजल। बात करूँ मैं आपसे, जब यहाँ पे किसानों से बात करें तो ना ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना। मैं कहूँ कि 2022 में सिर्फ 3 महीने हैं, 3 महीने आगे है ना 2022 तो लागत तो 4 गुना कर दी। DAP 300 रुपये में आती थी 5 साल से पहले, आज वो 1200 में है, 1900 कर दिया। डीजल जो 40 रुपये में था वो 100 में है। बीज इस देश की जनता के टैक्स से हाइब्रिड बीज पैदा होता है और मुनाफा कंपनियों के पास जाता है। 97% बीज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कब्जे में है। बीज डेवलप करता है जनता के पैसे से, मुनाफा किसको मिलता है? कंपनी को। तो ये जो बीज खाद डीजल सब कुछ कंपनी के हवाले, अब तो खेती और रोटी भी कंपनियों के हवाले कर दी। मतलब ये 3 कृषि कानून हैं, काले कानून, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, खेती व्यापार और फिर रोटी। मतलब मुनाफा का सरकार के जो समर्थक है, मतलब उनका जो लॉजिक जो वो लोग देते हैं कि अगर सबको MSP दे दी तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? अब सस्ता मिलता है। प्याज किसान से 2 रुपये में लेके 40 रुपये में बेचते हैं, 100 रुपये तक बेचते हैं, तो महंगाई नहीं होती। आज सरसों का तेल, अब तो कानून लागू नहीं हुए हैं, 80 रुपये वाला तेल 180 कर लिए, लूट रहा है। महंगाई किसकी महंगाई? महंगाई रुक जाएगी अगर किसान को भाव मिलेगा, सरकार खरीदेगी और जनता को देगी, तो महंगाई 70 साल तक, जो खाने की वस्तु है ना, आवश्यक वस्तु जिसको कहते हैं, रूस में 1917 से लेकर के 91 तक वही भाव थे। अगर सस्ता करना है तो उसकी लागत सस्ती कीजिए, किसान को मार के सस्ता थोड़ा ही कर सकते हो। तो किसान को मार के सस्ता कर रहे हैं तो और मुनाफा कंपनियां कमा रही हैं। 27 के बाद क्या हम देखते हैं कि नए तरीके से जो है आंदोलन जो है दिल्ली से? तो सबसे बड़ा आंदोलन ले रखा है ना मिशन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इस भारतीय जनता पार्टी ये अन्नदाता के साथ साथ वोटदाता भी है, जो बनाना जानता है वो गिराना भी जानता है, वो सबक सिखाना भी जानता है। तो वोट की चोट अभी 5 सितंबर को जो हुआ है, सबसे पेट इसलिए ही दुख रहा है, अल्लाह हो अकबर हर हर महादेव, उसी से पेट दुख रहा है। क्योंकि 2013 में दंगा मुजफ्फरनगर में कराने के बाद पश्चिमी यूपी की लोकसभा विधानसभा सब की सब 2014 में 2017 में 2019 में सब सीटें जीत ली। अब उनको कहीं टीके लगाने के लिए गांव में घुसने की कोई जगह नहीं है, तो वो चोट। और जब उत्तर प्रदेश हार गई तो देश की ये काले कानून बनाने वाली सरकार को ही दफा कर दें। ये शुक्रिया बात करने है। बाकी जनता के बीच में अभियान जारी रहेगा, मोर्चे जारी रहेंगे। और आज तक किसान कोई भी आंदोलन उतरा है ना, ये आज़ादी के पहले भी इस तरह का आंदोलन नहीं, खेड़ा का आंदोलन हुआ, तेलंगाना का आंदोलन हुआ, सशस्त्र संघर्ष भी हुआ, बारदोली का हुआ, बहुत आंदोलन हुए, लेकिन राष्ट्रव्यापी आंदोलन आज़ादी से पहले भी नहीं हुआ और आज़ादी के बाद में भी राज्यों का हुआ, 2 राज्यों का हुआ। पूरा देश का आंदोलन यही है जो देश की आज़ादी को बचाने का है, खेत और रोटी को बचाने का है। और रोटी का जहाँ सवाल आ गया, मैं समझता हूँ मुकेश अम्बानी से लेके वो तो मुनाफे की होंगी कंपनियाँ, बाकी कोई आदमी बचता नहीं है जो मुनाफे की मार नहीं दे ले। शुक्रिया बात।